बाप रे बबलू, ये मेहनत करे पेट और मजे करे बेल। हाँ, इस जंगल में कई बेलें वृक्षों पर चढ़ झूल रही है। कुदरत का यही है खेल, इस पेड़ पे चढ़कर बेल किरणों से करे मन मेल। जीवन है इसको सुहाए, अनुकूलन ये कहलाए। मतलब कि अपने आप को किसी भी युक्ति से जीवित रखना अनुकूलन यानी कि एडप्टेशन है। हाँ बिल्कुल ठीक। एक अनुकूलन तो प्रकार्यात्मक अर्थात फंक्शनल अनुकूलन कहते हैं, और दूसरा इसे प्रजनात्मक या रिप्रोडक्टिव अनुकूलन कहते हैं। याद रहा पिंकी? एक तो फंक्शनल और दूसरा रिप्रोडक्टिव। इस वर्षावन में बहुत से पेड़ पौधे कम प्रकाश में भी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करके जीवित रह लेते हैं, और कुछ पेड़ों से लिपट कर ऊपर तक पहुँच कर यह क्रिया करते हैं। ये आधार अनुकूलन भी है। कैक्टस और पाम वृक्ष भी ऐसा ही अनुकूलन अपनाते हैं, है ना? हाँ, अपने तनों में या पत्तों में जड़ों में इतना पानी संग्रह कर लेते हैं कि लंबे समय तक रेगिस्तानों में पानी ना मिले तब भी जीवित रहते हैं। पीट पीट खेतों में जो फसलें उगती है ये तो एक ही मौसम में नष्ट हो जाती है, ये अनुकूलन नहीं कर पाती है क्या? ये अनाज देने वाली वनस्पतियाँ इतने सारे बीज पैदा करती है कि दूसरी फसल में फिर उतना ही उगा लिया जाए। ये प्रजनात्मक यानी रिप्रोडक्टिव अनुकूलन है। अन्य पेड़ पौधे दीर्घजीवी प्रजनन क्रिया करते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। यही वनस्पतियों का अनुकूलन है। हाँ, अनुकूलन से ही जीवन है। रही बात चमगादड़ों की, तो ये गलत है कि वो देख नहीं सकते। चमगादड़ों की आंखें बहुत छोटी हैं, उन्हें कम दिखाई देता है, पर वो देख सकते हैं। उनके लिए ज्यादा काम की है सुनने की शक्ति, एकोलोकेशन, जो सोनार की तरह काम करता है। चमगादड़ उड़ते समय एक बहुत ही हाई पिच आवाज निकालते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते, लेकिन जब ये साउंड वेव्स किसी चीज से टकराकर लौटते हैं तो चमगादड़ इस गूंज को सुन लेते हैं और इस एकोलोकेशन से रास्ता और खाना दोनों ढूंढ निकालते हैं।